सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुड्डी नेगी उत्तराखंड से देहरादून में फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ और आज आपके लिए ला रखी हूँ एक नया प्लॉट फिर से। तो प्लॉट है आपका थोड़ा ये जो बाला वाला चौक से हम लोग अंदर आए मामचंद चौक से सीधा इधर के लिए आ गए। मामचंद चौक नहीं गए, सीधा इधर के लिए आ गए गुलर घाटी रोड पर। और सामने आपको मंदिर भी दिखाई दिया और मंदिर के थोड़ा सी ये रास्ता दिख रहा है, ये मेन रोड पे जा रहे मेरे हस्बैंड से थोड़ा आगे मेन रोड है, तो मेन रोड से थोड़ा सी आए हम लोग आगे है बाला वाला चौक। ये चल जाती है रोड सीधा रायपुर के लिए और हम चले जाएंगे। ये सामने आपको पेट्रोल पंप भी मिलेगा इस रोड पे। ये भी गुलर घाटी रोड है तो इस पे जा रहे हैं हम लोग थोड़ा। आपका शशि गार्डन है लेफ्ट हैंड में, यहाँ जाते हुए जहाँ प्लॉट के लिए जा रहे हैं उसी रोड पे। इधर आपको सीधा आते हुए आपका पड़ेगा ये सामने शिव मंदिर के सीधा यहाँ से शिव मंदिर से ही मुड़ जाएंगे हम लोग इस ओर। हम लोग आ गए हैं प्लॉट वाले रास्ते पे, तो ये है 15 फीट की रोड और यहाँ पे नए मकान भी बन रखे हैं दो, और मकान तो खैर काफ़ी सारे हैं इधर, इतनी वो नहीं है। तो ये सामने है आपका प्लॉट, तो प्लॉट है इधर से और उस कोने तक और उस कोने से यहाँ ये पूरा इतना। तो प्लॉट बताती हूँ मैं आपको कितना है ये प्लॉट। जैसे कि मैंने ज़मीन बताई आपको 24.5 उसकी चौड़ाई है और गहराई इसकी 45 है और 122 गज, पूरा 122 गज है ये। और आप लोग जैसे मकान बनाओगे तो गहराई भी बहुत अच्छी है इसकी, बहुत फर्स्ट क्लास मकान है, मतलब जगह है ये। और यहाँ पे क्या है आपको नहर मिल जाएगी, तो मैं आपको नहर दिखाती हूँ। तो ये नहर है यहाँ पे, लास्ट में नहर मिल जाएगी। नहर से क्या है, नहर तो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन क्या है कि जो आप लोग मकान बनाओगे तो यहाँ आप लोग इतना आपको बेनिफिट मिल जाएगा 3 फीट का इसके पीछे, क्योंकि कोई मकान तो बनाएगा नहीं। अगर आप पूरी ज़मीन भी लोगे अपनी तो क्या होगा कि आप लोग खिड़की बनाओगे तो इधर के लिए आप लोगों को काफ़ी रोशनी उजाला आने लग जाएगा और आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। नहर तो फिर ये क्या है, ये पक्की है, जैसे गवर्नमेंट की नहर है तो इसे कोई तोड़ नहीं सकता है और कोई इसकी जगह नहीं ले सकता। तो इसलिए जो भी मकान बनाएगा, चाहे कोई इधर बनाए या चाहे कोई इधर बनाए, तो जिधर भी बनाएंगे तो आप लोगों को नहर की जगह है जो एक्स्ट्रा मिल जाएगी 3 फीट तक की। तो 3 फीट की जगह तो चाहिए ही खिड़की दरवाजे के लिए। जैसे कि इधर नहर है तो इधर भी डिमार्केशन की ज़रूरत नहीं है और इधर भी डिमार्केशन हो रखी है। ये देखिए यहाँ भी पूरा नहर से टच, पूरा वहाँ तक पूरा डिमार्केशन हो रखी है और इधर भी आपका पूरा डिमार्केशन है। ये लास्ट यहाँ पेड़ है और पेड़ के सहसूत का पेड़ है, उसके तरफ भी ये सामने ये आप लोगों का डिमार्केशन हो रखा है। ये डिमार्केशन पूरी हो रखी है, थोड़ा पेड़ से उधर तक है डिमार्केशन और पूरा वहाँ तक चले गया आपका। ये पूरा जहाँ हमारी स्कूटी है वहाँ तक है ये ज़मीन, नहर से पूरा वहाँ तक है ज़मीन जहाँ तक स्कूटी है, स्कूटी तक है। और सामने मकान है, वो भी रोड पार है, रोड के इधर नहीं है मकान। ये ज़मीन तो मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया है, तो उसमें क्या है कि अगर आप लोग लेने की इच्छुक होंगे तो आपको जो इसका मालिक है उसके सामने बिठा देंगे, फिर आप लोग आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि कितना वो कम कर सकते हैं और कितना आप कम करा सकते हो। तो इसलिए ज़मीन तो जैसे मैंने आपको पूरा बता ही दिया है, इसके बाद जो भी आपके समझ में आएगा ज़मीन के। अगर आप लोगों को और भी ज़मीन के रेट चाहिए तो मेरे और भी वीडियो हैं, उसमें बना रखे हैं मैंने। तो क्या है कि उसमें अगर आप लोगों को मकान लेना, ज़मीन लेना, जो भी लेना, तो मेरी काफ़ी सारी वीडियो हैं, वो मैंने आप लोगों से शेयर करी हुई है। अगर आप लोगों के समझ में ज़मीन आ गई तो ठीक है, और मकान आएगा तो वो भी ठीक है। फिर भी मैं हर वीडियो में अपना जो फ़ोन नंबर है आप लोगों से शेयर करती हूँ शुरू और लास्ट में। तो अगर आप लोगों को और मतलब ज़मीन या मकान की जानकारी चाहिए होगा तो आप लोग मेरे हस्बैंड से फ़ोन में बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड का ही नंबर आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो जो भी है, चलिए आज की वीडियो। फिर भी जैसे मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि जो वो रोड है, अभी आपको देखती हूँ, तो ये गेट है, गेट के उस तरफ रोड है, मेन रोड जो मैंने आपको बताया, और वहाँ से रोड आ रही है पूरा आप लोगों की यहाँ से और सीधा जा रखी है उस मकान तक। फिलहाल तो उस मकान तक है, आगे का तो क्या पता भविष्य में क्या होता है, पर जो भी है आप लोगों के लिए तो खैर मेन रोड जैसे ये ज़मीन है और ज़मीन के बाद है आप लोगों का मेन रोड, ये सामने आप लोगों को, हाँ ये है आपकी गुल्लर घाटी रोड। तो इधर गुल्लर घाटी चले जाएंगे, इधर बाला वाला चौक चल जाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ की रोड से इतना कोई लेना देना नहीं है और ज़मीन ये रही आप लोगों की सामने।
में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट बताया कीजिए कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगी। और ज़मीन या मकान से जुड़ी हुई जो भी वीडियो चाहिए आप लोगों को, तो वो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो बेचना भी चाहते हैं और जो खरीदना भी चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।